नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं और आपको बता दें कि मुंबई में अलग अलग जगहों की स्थिति अब आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। सड़क से लेकर के रेलवे ट्रैक तक सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव की पहली तस्वीर देखिए, और पहली जो तस्वीर है वो मुंबई के सायन की तस्वीर है, मुंबई के चुना भट्टी की ये तस्वीर, जहां पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो जब भी देखिए मुंबई में मॉनसून आता है तो इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं, हमेशा से ही वहां पर लोगों को काफी परेशानी होती है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, तेज बारिश की वजह से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया है और हवाई और रेल सेवा भी पूरी तरीके से ठप है। आप देखिए कि रेलगाड़ी जा रही है और कितना पानी वहां पर भरा हुआ है। कुछ स्कूल बच्चे आपको नजर आ रहे हैं जो कि इसी पानी में जो है तैरते हुए दिख रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। काफी लोगों को परेशानी हो रही है। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार, कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी, और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है, कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं, तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पलभर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था, पलभर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल से झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था।
उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई। और देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी पहली बारिश ने ही सभी के दावों की जो पोल है वो खोल करके रख दी है, तो वहीं कहीं पर बाढ़ जैसी तस्वीरें ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पानी ही पानी। भारी बारिश ने लोगों को आफत में डाला। जल जमाव, जाम और मुसीबत में जान। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें उस ठेकेदार से सवाल कर रही हैं, जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं। लेकिन अपनी जेब गरम करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दौसा के सिकराय की ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने वाले ठेकेदारों की किताब है। बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावर ठाड़ी जाने वाली सड़क ही धस गई, जिसके कारण छात्रों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर ये सड़क धसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा। ये क्या है, रात को लगभग 1:30 बजे के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धस चुकी है। और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि आप बढ़िया ठीक से बनाना है, और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में धस चुकी है। धौलपुर के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 के मांगरोल चौराहे पर तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मामूली सी बारिश के बाद ही पूरा हाईवे पानी में डूब गया। मनिया कस्बे की ये समस्या अभी की नहीं है। नींद से ना जागने वाले अधिकारियों को ये समस्या कई सालों से नहीं दिख रही और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी ही बारिश के बाद यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हाईवे पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन कई वर्षों से बनी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका। सरकार बच्चों को स्कूल से जोड़ने और सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है, लेकिन सकानी अपर प्राइमरी स्कूल जाने का रास्ता देखकर ही हर कोई मुंह मोड़ लेता है। सकानी स्कूल के मेन गेट के सामने ही सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ फैला हुआ है। हालत यह है कि सड़क के गड्ढे में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को गंदे पानी और कीचड़ में बड़े पत्थर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं पत्थर से पैर फिसलने पर बड़े हादसे का भी डर सता रहा है। सकानी पंचायत तहसील आसपुर से, ये सकानी पंचायत में ये गंदगी कई दिनों से भरी हुई है। ना तो नालियों की व्यवस्था है और ये बरसाती पानी है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आज कम से कम 3 से 4 महीने से भरा हुआ है। सिर्फ चुनावी 2 दिन पहले इसको साफ करवाया था, इसके 2 दिन बाद वापस ये स्थिति बन गई है। ये 4 महीने से पानी भर रहा है, 1 से 1.5 फीट पानी पूरा भर रहा है। यहाँ आम जनता को भी तकलीफ हो रही है और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है।
फिलहाल ये कब सुधरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस अव्यवस्था ने एसी के कमरों में बैठकर फाइल पास करने वाले अधिकारियों की पोल जरूर खोल कर रख दी है। शिकायतों के बावजूद इसका कोई समाधान मिलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी में वीरान हुई पहाड़ियां, बारिश के बाद फिर हरियाली की चादर ओढ़ रही हैं। पहाड़, झरने और हरियाली, ये नजारा है प्रदेश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का। दिल छू लेने वाले इन नजारों का लुत्फ उठाने के लिए माउंट आबू में पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है। पिछले दो दिनों में ही माउंट आबू में 75,000 सैलानी यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। पर्यटकों की भीड़ से जो है पर्यटन व्यवसायियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर के सदस्यों को बेहोश करके लूट की वारदात का मामला सामने आया है। घर के 4 से 5 सदस्यों को बेहोश किया गया। आपको बता दें कि नेपाली नौकर पर शक है। बेहोश अवस्था में सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घर में लूट के सामान की जानकारी जुटाने में अब पुलिस लगी हुई है। सुकेर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। उदयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बेहोश करके लूट की ये घटना सामने आई है। घर के सदस्यों को पहले बेहोश किया गया, उसके बाद से वहां पर लूटपाट की गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उदयपुर से, जहां पर घर में लूट के सामान की जानकारी जुटाने में अब पुलिस जो है वो जुटी हुई है। सुखेर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। उदयपुर से ये जानकारी आपको, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, अस्पताल की ये तस्वीर है। घर के 4 से 5 सदस्य आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं को बेहोश किया गया, उसके बाद से घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि नेपाली नौकर पर अब इस पूरे मामले में शक जा रहा है। बेहोश अवस्था में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इलाज भी चल रहा है। जो आला अधिकारी है वो अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, क्या उनको कुछ याद है। घर में लूट के सामान की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं, जहां पर घर के सदस्यों को पहले बेहोश किया गया, उसके बाद से घर में जो है लूटपाट की गई है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 4 से 5 सदस्य आपको नजर आ रहे हैं, आप देखिए इनको जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं और अब जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो अस्पताल पहुंचे हैं और ये जो सदस्य हैं उनको एक मोबाइल में फोटो भी दिखाई जा रही है, शायद पहचानने की कोशिश जो है वो सदस्य कर पाए कि कौन थे ये लोग जिन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये घटना घटित हुई। और ये वो घर है, संजय गांधी जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका ये घर है, यहीं पर ये जो पूरी घटना है, खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। देखिए यहाँ पर एक नेपाली नौकरानी थी जिसे ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू हायर किया गया और आज उसने घर के सदस्य को बेहोश कर बांध दिया। ये देखिए, ये जो सामान आप देख रहे हैं इससे घर की जो बच्ची थी उसे बांधा गया। जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस समय ये बच्ची के बाहर ले जाते समय ये जो उसे जो बंधक बनाया गया था उसे खोला गया। इस समय भी ये यहीं पर पड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर FSL की जो टीम है वो इस समय अंदर मौजूद है। FSL की टीम, आप देखिए कि FSL की टीम इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, कार्रवाई FSL की टीम अंदर कर रही है। जो सुराग हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है, फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए FSL की टीम इस समय लगी हुई है। ये तो आसपास के लोगों की सजगता रही कि बहुत जल्दी जो चार जिन्हें परिवार के सदस्य थे, संजय गांधी, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटी, इन चारों को हॉस्पिटल के बेहोश करके और यहाँ घर के अंदर लूट की घटना की गई है। अब हमारे साथ पड़ोसी मौजूद है, किस तरह की घटना हुई थी? सुबह तकरीबन 5 बजे मैं बाथरूम में बैठा हुआ था, मुझे बाहर मम्मी मम्मी रोने की आवाज़ आई, तो मैंने खिड़की में से देखा तो बच्ची का मुंह हाथ वात बंधे हुए, ये घुटने से बंधे हुए बच्ची रोड पे लौट रही थी, मम्मी मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। मैं बाथरूम से बाहर आके जैसे मैंने मेरा गेट का ताला खोल के जैसे दौड़ के आया और मैं खोलने लगा तो खुले नहीं, इतने हार्ड थे। फिर कैंची लेके मैंने वहाँ से जगह जगह काटे, ये सब पड़े हुए जो मुंह पे वगैरह सब जगह बंधा हुआ था। फिर उसको पूछा विश्वास मिले हुआ क्या, पहले ये सोचा पेरेंट्स ने कोई पनिश किया होगा, बच्चे हैं आजकल के।
फिर पता चला कि नहीं, चार जने काम वाली भाई जो क्या नाम बताया उसने, करिश्मा दीदी के साथ के चार जने मिल रहे हैं, मुझे बांध दिया और मम्मी पापा को भी शायद क्या पता क्या खिलाया है। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, हम एकदम घर में कैसे एंट्री करें, तो जैसे पुलिस की मौजूदगी हम ऊपर पहुंचे तो दोनों पेरेंट्स बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े थे, उनको जगजोर के जगाया गया। दूसरे कमरे में छोटा वाला बेटा जो कि तकरीबन 9-10 साल का है वो भी बिल्कुल बेहोशी हालत में था, सबको नीचे लाया, हॉस्पिटलाइज कराया, भर्ती कराया और फिर थाने में फ़ोन किया। तो सीआई साहब, एडिशनल एसपी साहब उमेश सिंह जी, उमेश जी ओझा साहब, इमान सिंह जी राजावत और बाकी मैं टीम एफएसएल वगैरह सब आई, सब अपनी तफ्तीश और अनुसंधान पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आप भी हॉस्पिटल लेके गए थे, किस तरह की स्थिति थी उन लोगों की? बेहोश थे वो, बिल्कुल अनकॉन्शियस में थे। क्या घटनाक्रम क्या हुआ है, क्या जानकारी है आपको? घटनाक्रम तो यही था, हम तो विवेक सिंह जी ने बुलाया और सब ऊपर गए बेहोश की स्थिति में, सबसे पहले यही निर्णय लिया कि उनको हॉस्पिटलाइज करो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, और हॉस्पिटल ले गए। इस बीच कंट्रोल रूम से फ़ोन भी आ गया था, आपने भी फ़ोन किया, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वहाँ की बहुत बढ़िया व्यवस्था रही कि तुरंत जाते ही ट्रीटमेंट चालू हो गया, सारी स्ट्रेचर वगैरह सब व्यवस्था तुरंत मिल गई, इमरजेंसी में कोई वेट नहीं करना पड़ा। ये आप लोग अगर समय पे हॉस्पिटल में ले जाते तो बड़ी घटना हो जाती, बड़ी घटना हो जाती, क्योंकि लगभग ये वारदात बता रहे हैं 12:30-1 बजे की, और 5 बजे हम लोग अवेयर हो गए, हम लोग जागरूक हो गए, तो 5 घंटे में हो सकता है कि जितना वो उनको बेहोशी की दवाई ओरली दी है, इंजेक्ट किया, क्या पता वो अगर ज़्यादा फैल जाती है या ज़्यादा डैमेज करती है। उससे पहले ही सोसाइटी के, मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं जिनको मैंने ग्रुप में डाल के और पर्सनली फ़ोन करके समस्त सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोग टाइम पर यहाँ आ गए और सभी ने हम सलाह होकर पहले हॉस्पिटल ले जाना उचित समझा, और पुलिस अपना काम कर रही है, हमने अपना काम किया, अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनके पेट में वो पानी वगैरह डाल के और नली से वो पूरा साफ करके फिर उनको छुट्टी देंगे, तब जाके वो आके बताएंगे उनको कितना घर में कितनी चीजें गई है। एक लॉकर तो पूरा साफ कर दिया है, एक लॉकर जिसकी वजह से बच्ची को बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया, हैरेस किया गया कि उसके पासवर्ड बताओ, तो बच्ची ने पासवर्ड नहीं बताया, वो लॉकर एज इट इज पड़ा है ऊपर। बिल्कुल, देखिए कितनी खौफनाक तरह की घटना है, जैसा कि पड़ोसी बता रहे हैं जिनकी सजगता के चलते ये बड़ी घटना जो है ये होते हुए बची है, ये वो घर है, इसी में ये घटना घटी थी। एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं विवेक से, विवेक सिंह जी कौन से फ्लोर की ये घटना है? इसमें देखिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे तो इनकी पार्किंग है और यहाँ पे वो बच्ची को बांध के डाल दिया था बेहोश करके, और बच्ची रात भर में जैसे जैसे उसको होश आया वो बच्ची रेंगती रेंगती 12:30-5 बजे तब आवाज हमें पता लगी, बाकी आवाज नहीं लगी। और फर्स्ट फ्लोर पे तो बच्चा बेहोश मिला और सेकंड फ्लोर पे हस्बैंड वाइफ दोनों बेहोश मिले और बच्ची रोड के ऊपर मिली। देखिए ग्राउंड प्लस 2 का मकान है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर आप देखिए कि ऊपर 2 मंजिल तक है, और तीनों ही मंजिल पर जो खौफनाक मंजर है वो पूरी रात चला है। जो बच्ची जिसके बारे में विवेक सिंह राजावत जो कि इनके पड़ोसी हैं बता रहे हैं कि वो ग्राउंड फ्लोर पर उसे बेहोश कर फेंक दिया गया, और जैसे जैसे उसे होश आया वो रेंगती हुई इसी पार्किंग स्थल से बाहर निकल के आई। यहाँ पर वो जब चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, उसी दौरान हिमांशु सिंह, विवेक सिंह राजावत को इसकी जानकारी हुई और वो तुरंत बाहर निकले। ये वही कपड़ों की पट्टियां हैं जिससे इस बच्ची को बांधकर घर के अंदर फेंका गया था, और पहली मंजिल पर जो 8-9-10 साल का बच्चा है वो बेहोश अवस्था में था, और जो घर की जो टॉप मंजिल सेकंड फ्लोर है वहां पर जो पति पत्नी है वो बेहोश अवस्था में यहाँ पर मिले थे। जैसे ही परिवार के जो पड़ोसी है वो अंदर गए, उन्होंने पूरा मंजर समझा, पुलिस को सूचना दी और तुरंत हॉस्पिटल इन्हें पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में पुलिस भी हरकत में आई, आला पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल एफएसएल की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अंदर पूरी कर ली है, एफएसएल की टीम ने जो जरूरी सुराग है वो जुटा लिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो अन्य पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस समय भी अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आप देखिए कि घर के अंदर पार्किंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कई सारे मूवमेंट इस घटना के जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हुए होंगे। हालांकि उन्हें अभी साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज जुटाने में लगी हुई है। दूसरा आप देखिए यहां पर जो लोग थे, जो यहां के जो गार्ड थे, इनसे हम बात करेंगे। आप यहां पे चौकीदारी का काम करते थे? नहीं, मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, क्या करते थे यहां पहले? चौकीदारी करता था। हटा दिया था? 1 तारीख से हटा दिया था मुझे। अच्छा, ये जो काम वाली थी ये कहां से लाएंगे? ये पता नहीं कहां से लाए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। कब से कब उसको? 24-25 दिन हुए खाली। 24-25 दिन जी। बाहर से बुलाई? हाँ, बाहर से बुलाई, नेपाल की थी शायद, वो नेपालन थी। अच्छा, हाँ।
देखिए, ये नेपाल की जो थी करिश्मा, उसका नाम बताया जा रहा है, वो अपने दूसरे चार साथियों के साथ में रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास घर के अंदर घुसी और इस पूरे खौफनाक मंजर को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि किस तरह की लूट हुई है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा पड़ोसी ने बताया कि एक लॉकर पूरी तरह से साफ कर दिया है और दूसरा लॉकर के पासवर्ड के लिए उस बच्ची को काफी प्रताड़ित किया गया, उसे बांधकर पूरी रात टॉर्चर किया गया, लेकिन जब उसने लॉकर के पासवर्ड नहीं बताए तो वो लॉकर सुरक्षित बताया जा रहा है। और बहुत देर प्रताड़ित करने के बाद भी जब लॉकर के पासवर्ड नहीं मिले तो फिर जो लूट का सामान लूटने में सफल हुए वो सामान लूट कर यहां से ये जो परिवार के जो लुटेरे थे, जो नेपाल से आई नौकरानी थी करिश्मा जिसका नाम है, महज 20 से 25 दिन इस नौकरानी को हुए हैं, वो यहाँ से उसके बाद में फरार हो गए। 12 बजे से ये घटनाक्रम रात को इस घर के अंदर चल रहा था और सुबह 5 बजे पड़ोसियों को तब सूचना मिली जब ये जो बच्ची है, इस बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए रेंगते हुए बंधक बनी हुई है जैसे तैसे पार्किंग स्थल के यहां तक पहुंची और पार्किंग स्थल में जब उसने मदद की गुहार लगाई तो घर के ठीक सामने विवेक सिंह राजावत का मकान था, उनके परिवार के सदस्यों मामले पर नजर बना करके रखे। पुलिस भी अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ओम बिरला का स्वागत किया। सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी स्वागत किया। स्पीकर ओम बिरला जो है कुछ देर बाद पितृ पर्वत के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि वहां भी स्पीकर बिरला का अभिनंदन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी के इंदौर से मुलाकात की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इंदौर दौरा और एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर ओम बिरला पहुंचे। देखिए जैसे ही पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया। सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी उनका स्वागत किया। राजसमंद जिला मुख्यालय से सटी बोरज पंचायत के ग्रामीण पैंथर की आवाजाही बढ़ने से परेशान है। एक दिन पहले एक पैंथर शाम के समय खारंडिया रोड पर नजर आया। कार में सवार लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। जैसे ही वह कार चलाने लगे तो पैंथर आगे आ गया और इसी बीच शावक भी पैंथर के साथ आया और सड़क पार करते हुए खेतों की ओर से निकल गए। गौरतलब है कि पैंथर ने पिछले दिनों इस क्षेत्र में युवक का शिकार किया था और घटना के बाद से बोरज पंचायत के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार के सामने अचानक से ये पैंथर का कुनबा आया तो लोग डर गए, लेकिन अब ये वीडियो भी बनाया गया है। लोगों ने कैमरे में ये वीडियो कैद किया है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजसमंद की ये तस्वीर है। और एसओजी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भंडाफोड़ कर दिया गया है। दोनों आरोपी 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कौन है जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव और कैसे एसओजी ने 4 महीने तक सबूत जुटा करके गैंग का खुलासा किया है। देखिए रिपोर्ट। फर्जी डिग्री गैंग का कैसे हुआ पर्दाफाश, कैसे रडार पर आए जोगेंद्र और जितेंद्र, फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ बेपर्दा, लंबे वक्त से एसओजी को जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव के फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही थी। ऐसे में इन दोनों को दबोचना एसओजी के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में एसओजी ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कर्मचारी और बेटे समेत 4 दलालों को पकड़ा, जिसमें राजगढ़ के सुभाष पुनिया का नाम शामिल था। इसके बाद बोगस ग्राहक बनकर फर्जी डिग्री पाने का डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इसके लिए सबसे पहले सुभाष पुनिया को उसके बेटे परमजीत सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा प्रदीप कुमार शर्मा और फर्जी डिग्री छापने वाले प्रिंटर प्रेस संचालक राकेश शर्मा को राजगढ़ चूरू से दबोचा गया। एसओजी की माने तो सुभाष पुनिया 2015 से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और आरोप है कि वो करीब 2 से 3 लाख रुपए लेकर फर्जी डिग्री दिलवा रहा था। वहीं दलालों को करीब 50,000 रुपए तक कमीशन भी दे रहा था। 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजे से की।
10 अप्रैल 2024 को डीआईजी परीस देशमुख ने दलालों के पकड़े जाने पर फर्जी डिग्री देने वाले रैकेट का खुलासा किया। 10 अप्रैल को दलालों के पकड़े जाने और एसओजी के मुकदमा दर्ज होने का पता चला तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संचालक जोगेंद्र सिंह थाईलैंड चला गया, लंबे वक्त तक वहीं रहा। जोगेंद्र सिंह को पकड़ने के लिए एसओजी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच जोगेंद्र सिंह के हरियाणा आने का पता चला, तब एसओजी ने जोगेंद्र सिंह के अलावा गुजरात के पाटन में एमके यूनिवर्सिटी और अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी चलाने वाले जितेंद्र सिंह यादव और जोगेंद्र की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को धर दबोचा। जांच में पता चला कि करीब 11 साल पहले जोगेंद्र सिंह एनसीआर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता था। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग। नमस्कार।